हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग वीडियो। और आप लोग का सबका स्वागत है टुप्पल द ब्लॉग में। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं आज सुबह सुबह मौसम कैसा है, देख रहे हैं क्योंकि आज धूप नहीं निकला है, बादल करके रखा है बारिश का मौसम। तो गाइस आप लोग बने रहिएगा मोटू ब्लॉग में मेरा। तो चलिए आज हम जा रहे हैं 15 किलोमीटर, ठीक है, राइड करने के लिए, तभी तो मेरा एक्सरसाइज भी हो जाता है और मज़ा भी आता है मोटो ब्लॉगिंग करने में। तो गाइस आप लोग बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि आज गाइस ना जब मैं मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए निकलेंगे थे तो मैं शायद चेस माउंट भूल गया था। ये देखिए पागल बंदी, देखें आप, ओए सुनता नहीं है, बैग में से सामान था तो निकाल के रख दिया हम अपना बैग में से। और अभी हम सवेरे देख रहे हैं चेस माउंट लगाने के लिए, तो चेस माउंट नहीं है, ठीक है। तो अभी हम बिना चेस माउंट का कर रहे हैं मोटो ब्लॉगिंग, सिंगल हाथ से करना पड़ रहा है। और आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और डबल हाथ से करते हैं ना गाइस तो देखने में अच्छा लगता है, सिंगल हाथ से अच्छा नहीं लगता होगा आप लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि वो एक्रेटिव लगता है, देखने समझे ना। इसलिए निकल के राइड करने के लिए पागल है काफे। देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नल लगता है, देख रहे हैं गाड़ी का जाम पूछो मत, रुका दिया है। ऐसा जगह पर रुकेगा है कि सिग्नल, चलिए बाकी 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 आपको क्योंकि अभी गाड़ी आता है ना तो रुक जाते हैं, क्योंकि सिग्नल था यहाँ पे, सिग्नल अभी रुका हुआ है इसलिए हम लोग चल रहे हैं फटाफट। और यहाँ पे रुकना ही होगा क्योंकि कोई वजह नहीं है, पार नहीं हो सकता है यहाँ पे, देख सकते हैं। तो भागते हैं फटाफट, निकल जाते हैं, रुका हुआ सिग्नल, सिग्नल रुक गया तो पार हो गया हम लोग गाइस फटाफट, सिग्नल क्रॉस हो गया। तो आप लोग शेयर कीजिएगा गाइस इस ब्लॉग को, ठीक है। और मौसम आज कैसे करके रखा है गाइस, धूप नहीं निकला है, बारिश का मौसम करके रखा है, गर्मी बहुत ज़्यादा तगड़ा है और अभी पूरा बारिश का मौसम हो रखा, हो सकता है बारिश होगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मेरा दोनों साइकिल का ब्रेक बन चुका है, आगे पीछे वाला दोनों ब्रेक बन गया, गाइस के ब्रेक का बिना तो चल ही नहीं सकता है, ठीक ना, इसलिए ब्रेक बनवा दिए। आप कोई दिक्कत नहीं है, आप चला सकते हैं बिना मस्ती का एकदम। तो आप लोग देखते रहिए और आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं न्यू आए हैं मेरा चैनल पे, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है प्लीज़। तो अभी धूप निकला गाइस, देख रहे हैं धूप निकल गया, अभी धूप उगाया, अभी गाइस 7:30 बज रहा है, पता है आप लोग को, अभी पूरा धूप निकला, सवेरे सवेरे तक निकला नहीं, 7:30 बजे धूप निकला, 6 बजे 5 बजे सुबह होता है, 6 बजे लगभग निकल जाना चाहिए, निकल जाता है रोज दिल्ली कोलकाता में। यहाँ पे आज थोड़ा लेट करके हुआ क्योंकि धूप सबसे अच्छा, बादल बहुत मस्त करके रखा है आसमान, देखेंगे ना एक बार लगेगा हाँ मज़ा आ रहा है। अब जून जुलाई का महीना आ रहा है, ऐसे तो होगा नहीं, बारिश होगा दिल्ली, और डेली बाहर बारिश में निकल नहीं पाएंगे मोटो ब्लॉग करने के लिए, समझे ना। तो ये देख रहे हैं ये वाला सीन गाइस, देखिए पटाख से आप लोग, देखिए भाई साहब कितना वजन लेके जा रहे हैं, पूरा भर्ती करके एकदम ओवरलोड ले लिया है गाड़ी पे और चल रहा है। अभी पुलिस पकड़ेगा आगे जाके उसको, क्योंकि अभी पूरा लोड दिया है पीछे में और एकदम पूरा माल कंटेनर जो है
इस साइड में देना साइड में पूरा टक रहा है, हिलान दे रखा है, गिर जाएगा कहीं, तो उसको ठीक कर लेना चाहिए था, लेकिन ठीक नहीं किया, वैसे चल रहा है, पकड़ेगा जरूर। ये देखो भाई सबको पकड़ चुका, सब पकड़ेंगे, मरना है लोग को, चले खुद का मारेगा दूसरे को भी लेके जाएगा, रास्ता क्रॉस करता है देखता ही नहीं है गाड़ी आ रही, कुछ नहीं देखता है। ओह मैं तो गाइस अभी 5 किलोमीटर आ चुका हूँ और 10 किलोमीटर 15 किलो का राइड है मेरा, अब 5 किलोमीटर में ही मेरा दम फूलने लगा। तो मज़ा आता है गाइस मोटर ब्लॉगिंग करने में, आप लोग को क्या पता, मोटर ब्लॉगिंग करने में मज़ा आता है, जब निकलते हैं राइड करने के लिए ना, तरह तरह का चीज़ दिखता है रोड में, सामने वाला हैंडल बार दिखता है और सामने वाला पूरा व्यू दिखता है, मज़ा आता है। ओ भाई टैक्सी थोड़ा देख के मारेगा क्या, देख रहे हैं धूप इतना तगड़ा है ना गाइस, मजा आता है दिन में निकल के ना और मजा आता है, रात में लो लाइट में वीडियो ही कंटेंट ही अच्छा मतलब नहीं होता है, लो लाइट में पूरा अंधेरा हो जाता है। हम सोच रहे थे गाइस इसमें बैटरी लगवा दे मोटर लगवा दे, थक जाते हैं हम भी बाइक का तरह, इसमें मोटर ब्लॉगिंग करेंगे बैठे रहेंगे और ये स्लेटर लेते रहेंगे। तो कल ही हम बात किए इधर उधर से, तो वो लोग बताया देखें क्या होता है, हम बोला भैया मेरा पास तो अभी है नहीं, ला के देंगे तो हम लगा देंगे, और मेरे पास से लगवाना चाहते हैं तो फिर हम आपको वेट करना होगा 5 दिन, ऑर्डर देंगे फिर मंगवाएंगे। और इस साइड का थोड़ा नज़ारा दिखे गाइस, ये देख लें क्या मस्ती बादल है, ये देखिए। तो चलिए गाइस सिग्नल खत्म, निकलते हैं हम लोग, देख के बाबू देख के गाड़ी आ रहा है, इतना मतलब अच्छा लग रहा है आज ना मेरे को मोटर ब्लॉगिंग करके, क्या बताऊँ इतना खुश हूँ, मज़ा आ रहा है। ये भाई साहब करे बोलिए भाई साहब, ऐसे क्यों बैठाता है गाड़ी पे हमको समझ में नहीं आता, ऐसे नहीं बैठाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर फिर सिग्नल लगा गया था, अभी तो एक तो सिग्नल के लिए वेट किया फिर 5-10 मिनट, अभी फिर वेट करना होगा, नहीं चलो सीधा निकलते हैं, सिग्नल खुल गया, बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए फाइनली हम पहुँचने वाला है अब, क्योंकि बहुत देर से चल रहे हैं, कम से कम आधा घंटा लग गया मेरे को, और ब्लॉक को कट कट करके लिए हैं, गाइस पहुंचने वाला है और थोड़ा सा 4-5 मिनट से 5 मिनट में पहुंच जाए। और ये वाला सीन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या मस्ती है, आप लोग देखिए, अरे भाई देख रहे हैं आप लोग, गजब का सीन लग रहा है गाइस ना, आप लोग को मैं दिखाते जा रहा हूँ आप लोग देखते जाइए, देख रहे हैं क्या मस्त नज़ारा है, बिल्डिंग दिखिए और आसमान दिखिए आप लोग। तो आप लोग ये सब चीज़ देखने के लिए ना आदमी तरसता है और कोई दिखाता नहीं है, हम दिखा रहे हैं, आप लोग फॉलो करके रखिएगा मेरा चैनल और फेसबुक भी फॉलो करिए, तो मज़ा आता है गाइस राइड करने में, बहुत मज़ा आ रहा है। और सोचे थोड़ा चाय पियेंगे गाइस, मुँह चटपटा रहा है चाय पीने के लिए, तो देखते हैं कहाँ से दुकान है, और हमको पूजा करने का फूल लेना होगा, फूल नहीं लिए हैं, और फूल वाला भी दिखेगा तो मेरे को फूल लेना होगा, क्या क्या बांग्ला में इधर बोलना पड़ता है गाइस, जवर मला कोड़ी फूल एगुलो उगुलो करना पड़ता है तब जाके फूल मिलता है। अरे भाई मारे को क्या,
साला बे एकदम हसूर की तरह एकदम गाड़ी चलाते हो। कहाँ चीज से आया तू भाई? हम तुमको तो अभी उधर इतना पीछे देखा था ऑटो से। बाप रे हद करता है ये, देखिए जगह नहीं है, कहाँ घुसड़ेंगे हम ले जाके। अरे भाई इधर से थोड़ा सा निकलने का जगह है, देखते हैं। हाँ निकल तो सकता है, ये देखिए यहाँ पे सिग्नल ही रहता है हर समय। चलिए चलते हैं, सिग्नल खत्म, सीधा निकलते हैं गाइस। और इतना लंबा टूर में हम लंबा टूर किए, इतना मोटा ब्लॉक, इतना बड़ा ब्लॉक, तो आप लोग को मजा आ रहा है ना गाइस। तो आप लोग गाइस शेयर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, छोड़ के भागिएगा मत, ठीक है? क्योंकि गाइस लंबा लंबा टूर जा रहे हो तो लंबा लंबा चीज दिखता है, नया नया चीज दिखता है पूरा। तो आप लोग छोड़ के चले जाएंगे तो कैसे होगा, आप लोग सीखिए कुछ। देख रहे हैं अभी यहाँ पे सिग्नल था पीछे में, हम जो अभी क्रॉस किए इसीलिए यहाँ पे रास्ता खाली दिख रहा है, नहीं तो भर के रहता। और सुबह का टाइम है अभी तो थोड़ा खाली है, अभी ऑफिस का टाइम होने दीजिए। देख रहे हैं गाड़ी पे रोड पे ना चलने का, पैदल चलने का जगह नहीं रहेगा, इतना भीड़ रहता है। तो यहाँ पे सिग्नल मेरा जाते जाते टूट जाना चाहिए भाई, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नल पे गाड़ी खड़ा है सारे के सारे। दिक्कत होता है रुकना, मुसीबत होता है रुकना, देख सकते हैं। 1 2 3 GO खुल गया सिग्नल, लेकिन झूठ बोल रहे हैं, सामने में गाड़ी खड़ा था ना अभी, बाइक वगैरह सब निकल गया। यहाँ पे कलकत्ता में हर मोड़ पे छोटा छोटा मोड़ पे सिग्नल दिया हुआ है, बिना सिग्नल को गाड़ी चलता नहीं है यहाँ पे। अगर सिग्नल नहीं देगा तो बस कितना गाड़ी टकराएगा, एक्सीडेंट होगा, आई डोंट नो, पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो चलिए हम पहुँच गए, ये वाला सामने वाला ना उतर के बाया साइड में घुस जाएंगे। ये देख भाई, थोड़ा दम मार लो भाई, सांस फूलता होगा, कोई मतलब ही समझ में नहीं आ रहा। हाँ टांगिए, खींचिए सीधा सीधा लीजिए, नहीं ले पाएंगे तो हम देखिए ले ले रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ हाँ निकलिए, कोई टेंशन नहीं है, आपको साइड दे दिया है। बाप रे इतना थकान हुआ है ना, मत थक जाते हैं गाइस राइड करते करते, जल्दी इतना 15 किलोमीटर से आना पड़ता है, जाना पड़ता है, देख रहे हैं। ओहो क्या लाजवाब का नज़ारा है यार, आप लोग सब्सक्राइब कर लो यार, देख रहे हैं मजा आ रहा है राइड करने में भाई। थोड़ा देख के देख के देख के देख के देख के अभी मारते थे, ब्रेक फेल हो गया था गाइस, ले रहा है आगे। तो बायां साइड में हम मुड़ेंगे, यहीं पे कर रहे हैं ब्लॉग वीडियो एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में गाइस, बाय बाय, सी यू वाचिंग फॉर वीडियो, बाय। ये देखिए बायां में हम मुड़ेंगे, देख रहे हैं इधर भी जाम बना है। सीधा निकले तो चले गए।